या इम्पोर्टेंट। नीट और क्या बोलते हैं एम्स में ना 10% का वेटेज है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सुने नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी नाम ही नहीं सुने, सरल आवर्त गति जीवन कहता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशंस सुने हैं कभी? SHM, ठीक है, सुने कि नहीं सुने? इसका 10% का वेटेज है आपके नीट और एम्स में। आप देखना जो आपको शीट दिया हो ना उसमें लिखा होगा, ठीक है। और जेई में भी 7-8% का है, तो कर लो, ठीक है। ये चैप्टर अकेला चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर का। अरे यार सुने हो नाम? हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। एकेडमिक नहीं है, कंपटीशन है, तो अच्छे समझना। और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी है, बताऊंगा मैं अभी, आज इसे पता चल जाएगा कि क्या ट्रिक है। आज की क्लास 2 घंटे की क्लास है, जिसमें से आधा घंटा बीत चुका है, 1.5 घंटे की क्लास और लगेगी, ठीक है ना। कल से जो क्लासेस रहेंगे उसमें ड्यूरेशंस बढ़ जाएंगे, 4-4 घंटे की एक क्लास रहेगी, फिर तो भागते हो जाएंगे। तैयार है ना? इसका वेटेज आज ही समझ में आ जाएगा कि चैप्टर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊँ? पारो जागो, उसको जगाओ, सॉरी, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है पता? क्योंकि ना ये अपन 12th में पढ़े थे, AC पढ़े थे ना, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसी में ना ये रिलेट करता है, ये उसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़े थे तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस निकाले थे, Y=A sin ω t। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, ये वेव थ्योरी, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, सारे वेव्स जो है ना, टोटल 5 से 6 चैप्टर कवर करता है ये। तो ये उसका बेसिक चीज़ है, मस्त चीज़ है, आपको बेसिक समझना और सारे चीज़ को डायग्राम से सॉल्व करना है, फेजर डायग्राम से, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले मैं मोशन के बारे में डिस्कस करता हूँ कि मोशन को अपन कितने टाइप में लेते हैं। किसको? मोशन कितने टाइप में होता है? एक भी मोशन के बारे में आप जानते हैं? एक मोशन के बारे में सब जानते हैं, है ना। छोटू अक्सर जानता था उस मोशन के बारे में। कौन सा वो मोशन? पेरियोडिक मोशंस। किसके बारे में बात कर रहा है? कुछ गलत तो नहीं सोच रहा था तू? मंथिर हंसा था बेटा सबसे पहले तो। पेरियोडिक मोशंस होता है क्या? आप सिस्टम को समझना, क्योंकि छोटी छोटी बातें लिंक करेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। पेरियोडिक मोशंस को बोलते हैं आवर्ती गति। क्या बोलते हैं? जैसे ये छोटा सा प्यारा सा सूर्य है, पता, सन, जानते हो ना, इसके अराउंड कौन मूव करता है? अर्थ मूव करता है कि नहीं करता है? कितना दिन लगता है इसको? 365 दिन और 6 घंटे, पता है कि नहीं पता? मतलब 365 days और 6 hours लगता है। मतलब अगर वो 365 दिन के बाद गया यहाँ से, तो फिर कब आएगा वो? 365 दिन 6 घंटे के बाद ही वहाँ पे आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को क्या कर रहा है? वो रिपीट कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और ये अपने पोलार एक्सिस में भी क्या करता? मूव करता है ऐसे करके। कितना? 24 hours, पता है कि नहीं पता? अच्छा, 3 से 6 hours के बारे में जानते हैं आप? लीप ईयर से अपन पढ़ते हैं, याद है? कई लोगों का बर्थडे 29 February आता है, सुने? तो जो 28 February, तो ये 365 days में आ जाता है। हर 4 साल में, मतलब हर 4 साल का जो 6-6 दिन बचा होगा घंटा, हर 4 साल का जो 6-6 घंटा बचा होगा, वो मिलके कितना होगा? 24 घंटा, और 365 में जोड़ के उसको 367 दिन बनाया, जिसको अपन बोलते हैं लीप ईयर्स। सुनेंगे नहीं सुने? ये वही होता है, ठीक है। इसके बारे में समझ गए? मतलब अभी पेरियोडिक मोशन में मेरे को ये समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा किसी के अराउंड, अगर वो रोटेट कर रहा हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने मोशन को क्या करेगा? रिपीट करेगा। यही था ना? नहीं समझ में? टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और डायरेक्शन का भी, कि किस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा? चलो, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास, जैसे घड़ी है, सन देखे ना, सन अपना अर्थ है, अर्थ, अर्थ के अराउंड कौन मूव करता है? अर्थ का एक सैटेलाइट का नाम बताओ? मून, है ना। 27 days 3 hours, पता कि नहीं पता? नहीं जानते हैं? इतने दिन घंटे के बाद वो क्या करता? अपने आप को रिपीट कर लेता है। तो इस सन के रेस्पेक्ट में ये क्या था? पेरियोडिक मोशन था। अर्थ, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ पेरियोडिक मोशन कर रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में मून क्या कर रहा है? पेरियोडिक मोशन कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गया ना? तो दिमाग में बैठ गया पेरियोडिक मोशन क्या होगा? नहीं समझ में आया? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है? अपने मोशन को क्या करता है? रिपीट करता है। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम में अगर वो क्या नहीं करेगा? रिपीट नहीं करेगा,
तो उसको अपन क्या नहीं बोलेंगे, पैरोडिक मोशन नहीं बोलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में अपन जो कितने ग्रह पढ़ते थे, नाइन, अभी कितना हो गए, प्लूटो को हटा दिए। रीजन, क्योंकि वो पैरियोडिक नहीं था, समझ में, उसका जो टाइम इंटरवल था वो अलग अलग था, कभी ज़्यादा ले लेता था कभी कम लेता। मजाक है क्या? बोलता नहीं नहीं बिल्कुल मजाक नहीं नहीं ले रहा। तो पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता, वो रिपीट करता है, ठीक है। जैसे घड़ी देखें आप, घड़ी नहीं देखें कोई, देखें, चलो मैं दिखाता हूँ घड़ी। ऐसा होता घड़ी, इसमें होता 12, 1, 2, 3, देखें कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ऐसे ही था ना, गलत हो गया, 9 इधर आएगा, सुधार लेना, ठीक है। अगर ये छोटा सा काटा है तो आपको याद आया, छोटा सा काटा किस चीज़ को डिफाइन करता है, घंटे को डिफाइन करता है। तो 12 घंटे के बाद वो फिर से क्या करेगा, यहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। अगर मिनट का काटा होगा तो 1 घंटे के बाद वो फिर यहीं पहुंच जाएगा, 60 से 60 मिनट के बाद, नहीं समझ में आया। अगर सेकंड का काटा होगा तो 60 सेकंड के बाद फिर वो रिपीट कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि अगर छोटा काटा, जो घंटे का काटा है, जो आवर का काटा है, इसका पेरियोडिक टाइम कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 12 घंटा, क्योंकि 12 घंटे के बाद वो अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर जो मीडियम काटा था उसको लूंगा तो वो क्या होगा, वो मिनट का था, तो 60 मिनट, या क्या लिख सकता हूँ, 1 आवर, अपने मोशंस को रिपीट कर लेगा। अगर बड़ा काटा की बात करूँगा तो 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट, या 60 सेकेंड, इसका क्या होगा, पेरियोडिक टाइम होगा। बात समझ में आ गया? एक ही चीज़ समझना मोरल ऑफ द स्टोरी की, पेरियोडिक का मोशन मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में कहीं पे भी अगर मोशन कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरियोडिक। क्लियर है? चलो एक और मोशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घड़ी देखें, पेंडुलम वाला घड़ी, ऐसा घड़ी देखें जिसमें चम्मच ऐसा ऐसा होते रहता है, देखें चम्मच, नहीं देखें चम्मच ही क्यों यूज़ करते हैं, कभी सोचें आप, कुछ और क्यों यूज नहीं कर सकते थे, नहीं पता, बताऊंगा बाद में, सोचो, ठीक है। चलो देखो, कोई कोई नहीं, यहाँ पे देखो, वैसे ही एक अपन क्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं घड़ी ले लिए, जिसमें क्या करता है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, नहीं समझ में, ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 सेकेंड, फिर यहाँ से आने के लिए फिर क्या होगा, 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड में फिर ये यहाँ आ जाएगा, नहीं समझ में। इसको बोलते हैं टू, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फ्रो, फ्रो मतलब फ्रॉम, ठीक है ना, टू और फ्रो। ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा ऐसा करके, और पर्टिकुलर टाइम में कर रहा है, ये भी तो पर्टिकुलर टाइम में जा रहा और पर्टिकुलर टाइम में आ भी रहा। इसको बोलते हैं मीन पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, मीन, समझ में आ गया, साम्यावस्था। तो ये क्या किया, 1 सेकेंड में क्या फिर आ गया, फिर 1 सेकेंड में क्या फिर आ गया, तो पर्टिकुलर टाइम में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस, क्या बोलते हैं इसको, नहीं आया आवाज, बताओ जोर से, और भी बोलते हैं एक नाम बताओ, क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशंस, क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी मोशंस, ठीक है, टू और फ्रो। अब सोचने की बात यह है, क्या पैरोडिक मोशंस ऑसिलेटरी हो सकता है? पैरोडिक के लिए क्या है कि फिक्स टाइम के बाद अपने रोटेशन को रिपीट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या पैरोडिक ऑसिलेटरी हो सकता है? ऑसिलेटरी मतलब टू और फ्रो होना चाहिए, गया आया, गया आया, समझ में आ रहा है? तो क्या ये जाके वापस आ रहा है कि ऐसे रिटर्न आ रहा है? तो जो पैरोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? लेकिन क्या ऑसिलेटरी पैरोडिक हो सकता है? हो सकता है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं समझ में आया, आ गया ना? तो याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है नोट, कि एक जो पैरोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन पैरोडिक हो सकता है। नहीं समझ में आया? पैरोडिक मोशन किसको बोलते हैं, जो टू और फ्रो का क्या करता हो, मोशन करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? और ये क्या होगा, पैरोडिक मोशन, इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड है, इसमें डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन को क्या करेगा, रिपीट करते रहेगा, टू एंड फ्रो। मेरी बात समझ में आ गया? दोनों वेरिएशन समझ में आ गया? पैरोडिक मोशन किसको बोलेंगे अपन, रिपीट करता होगा। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलेंगे, इसमें भी एक पंगा है, ठीक है, इसमें भी एक क्या है, छोटा सा लिमिटेशन है, ठीक है।
ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, ये पैरोडिक हो सकता है, इसमें भी कंडीशन है, ध्यान रखो। सोचो कि मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा रॉड लेता हूँ, मतलब एक स्ट्रिंग धागा लेता हूँ, उसमें एक बॉल को बांध दिया, ठीक है, और उसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया, इसका मेन पॉइंट ये था और इसका एक्सट्रीम पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट, ये वर्ड ज़्यादा यूज होगा, टेक्निकल वर्ड का ध्यान रखना। मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ले और ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है, वो हाईएस्ट जिस पॉइंट तक जाएगा उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उसका एक्सट्रीम पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसको यहाँ तक लाया, ठीक, ठीक है, फिर छोड़ दिया, तो मान लो कि इसको यहाँ से तक आने में 2 सेकंड लगा, ठीक, फिर इधर गया होगा, फिर इधर, तो हमेशा 2 ही सेकंड लगेगी, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एयर रेजिस्टेंस, एयर क्या करेगा, रेजिस्टेंस होगा ना वहाँ पे, वायु प्रतिरोध, धीरे धीरे, समझ में आया ना, नहीं है मेरी बात समझ में, धीरे धीरे कम हो जाता, क्लियर इस बात को, तो धीरे धीरे कम हो रहा, धीरे धीरे क्या हो रहा, क्या टाइम एक जैसा लिया कि अलग अलग लिया, क्या ये पैरोडिक मोशन है, पैरोडिक मोशन है क्या, नहीं है, इसको पैरोडिक मोशन नहीं, समझ में आ गया। टाइम क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। एक ऑसिलेटरी मोशन पैरोडिक मोशन हो सकता है, कब, जब टाइम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टाइम अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो पैरोडिक मोशन और वो ऑसिलेटरी रहेगा फिर। बात क्लियर है मेरी बात, इतने चीज को अपने दिमाग बैठा और लिख लो फटाफट जो समझ में आया। एक फोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब सोचो कि ना ये ट्विस्ट कर रहा हूँ इसको, मैं ऐसा करके ट्विस्ट कर रहा हूँ, मैं फिर छोड़ूंगा तो फिर ये अपने इनिशियल फॉर्म में आ गया, बात को समझने की कोशिश कर रहा, थोड़ा सा ऐसा था, मैं इसको ऐसा ट्विस्ट किया, फिर छोड़ूंगा तो कहाँ गया, ये अपने इनिशियल फॉर्म में आ गया। तो मैं छोड़ने के बाद वो कौन सा फोर्स था जो इसको अपने इनिशियल फॉर्म में लाया, उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यानयन बल, रिस्टोर कर रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन, बात समझ में आ रहा है, ये ऐसे था, ऐसे किए तो क्या हो रहा है, रिस्टोर हो रहा, तो रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स रिकॉर्ड होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, समझ में। अब सोचो, सोचना थोड़ा सा, ये इसका मेन पॉइंट है, ये क्या इसका मेन पॉइंट, जहाँ पे वो होना चाहिए, ठीक है, उसको यहाँ तक लेके आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे भी ला सकते हैं क्योंकि वो ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये प्लस में और ये माइनस में, बाद में समझ में आ जाएगा एम्पलीट्यूड क्या 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 चल रहा है, ये मेन पोजिशन है, ये उसका घर है, ये यहीं से निकलना चालू करेगा, ठीक है, अभी निकलना चालू नहीं किया था, फिर यहाँ पहुँचा, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 1 मीटर आया, कितना मीटर आया, ठीक है, तो ये क्या चाहेगा कि इसको अपने जगह पे लाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगाएगा, उसके अपोजिट साइड, कितना लगाएगा, मान लो कि 1 मीटर के लिए लगा दिया ये 0.5 न्यूटन, कितना लगाया, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, ठीक है ना, फिर इसको कहाँ तक डिस्प्लेस किया, वो 2 मीटर तक डिस्प्लेस नहीं लाया, तो अभी फोर्स बढ़ेगा ही कम होगा, अब उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, अभी पास से लाना था, अब दूर से लाना है ना, तो अब कितना लग गया, मान लो 1 न्यूटन, कितना लगा, बात समझ में आ रही, फिर इसको कहाँ ला दिए अपन, 3 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट कर दिए, तो अब कितना लग रहा फोर्स, 2 न्यूटन लग रहा, मान लो, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा तो फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हुए कि नहीं हुए, मतलब क्या समझ में आ गया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो फोर्स है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनेट है, लेकिन किसके, क्यों, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा, फोर्स इधर लगा, नहीं समझ में, तो इसको अपन ले लिए एफ और इसको क्या ले लिए, एक्स वाई जो लेना ले लो, ठीक है, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स, के यहाँ पे कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जिसको पॉजिटिव कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट, बात को समझो, थोड़ी थोड़ी बातें बताता जा रहा हूँ, तो एफ माइनस के एक्स, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें, क्योंकि जेई वाले भी बैठे हैं साथ में, थोड़ा सा आपको डिस्कस करना बनता है, नीट वालों को इतने में बहुत सारे कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, जेई वाले बैठे हैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, समझ लो, एग्जैक्टली ये इस फॉर्म में नहीं रहता, ये रहता है माइनस के एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर क्या रहता है, एन, और एन का वैल्यू क्या रहेगा पता, एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यार इसमें भी आधा वैल्यू नहीं रहेगा, पूछो क्यों, क्योंकि x हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव रख सकता है, ये नहीं रख सकता है, रख सकता है क्या, क्योंकि माइनस एक्स का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा, तो क्या नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो बाद में कहानी समझ में आ गई कि यार 1, 3, 5 और 7 होना,
मतलब सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए, समझ में आ गया मेरी बात। अगर मैं इसमें वन अगर लेता हूँ ना तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस के एक्स टू दी पावर एन, एफ माइनस के एक्स एन की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया वन, तो ये सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं क्या करता हूँ माइनस के एक्स टू दी पावर थ्री, या क्या कर लेता हूँ माइनस के एक्स टू दी पावर फाइव, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाते हैं, क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप एडवांस देंगे तो इसमें से दो चार क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल था ना, सिंपल था कि नहीं था। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक जाता फिर रिटर्न आ जाता, तो रुकता कि आगे निकल जाता, आगे निकल जाता, फिर यहाँ तक आता फिर निकल जाता ऐसे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खुद ब खुद ही क्या करता है रिपीट करता है। मेरी बात समझ में आया। इसमें दो केसेस था, अगर आप n का वैल्यू 1 लोगे तो सिंपल होगा, 1 से अधिक लोगे तो कॉम्प्लेक्स होगा। बात समझ में आया। मैं 1 लिया कि 1 से ज़्यादा लिया, 1 लिया ना, 1 ही लिया ना, तो ये क्या हो गया सिंपल हो गया। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओ अपने जनरल लाइफ में ऐसा कोई चीज़ है जो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता हो, जैसे साइंटिस्ट को ये मिला था हारमोनियम, देखे हैं आप, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा, आगे क्या बोलना, आगे किसी को पता है क्या होता है, सा ना धी जो भी था, फिर स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा जाता है, नहीं समझ में आया, नहीं आया। तो सिंपल क्यों था, क्योंकि वन था, हारमोनिक हारमोनियम से उठाया क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है रिपीट करता है मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इक्वेशन किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल क्यों बोले, क्योंकि वन यूज़ हो रहा है, ठीक है। वन से अधिक यूज़ करते तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आता है, ठीक है, बताऊंगा उसके भी क्वेश्चंस। हार्मोनिक जो वर्ड है वो क्यों आया, हार्मोनिक वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता होगा रिपीट करता होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या था, सबको आता, सिंगर बैठी सिखा देगी, हो गया। और ये तो मोशन है, तो यहाँ अपन कौन से मोशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है। अब सोचो, अब मैं दो चीज को आपको एक साथ रिलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। पेरियोडिक मोशन कैसा होता है बताओ, अच्छा ठीक है सुनो, पेरियोडिक मोशन कैसा होगा, ऐसे ऐसे होगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगा, सर्कुलर पाथ वो याद रख सकता हूँ मैं। और ऑसिलेटरी मोशन, अगर मीन पॉइंट ऐसा है तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब दोनों को एक साथ मर्ज कर दूँ तो कुछ बनेगा, देखो क्या बनेगा, सोचो, देखना हाँ अच्छे से देखना एक ही बार, ये इसका मीन पॉइंट है, क्या ये याद रखो मीन पॉइंट, क्या समझ में आ रहा है। अभी पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे, कोई भी पार्टिकल होगा वो यहाँ पे होगा, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। उसका टाइमिंग अभी क्या था, जीरो, ठीक। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना था, ए था, कितना था, मैं सर्कुलर पाथ का रेडियस मान ले रहा हूँ कितना, ए, ठीक। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जब यहाँ आ जाएगा ना ऐसे करके, तब भी तो ये यही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा, लेकिन एक एंगल बना दिया यहाँ पे, एंगल कितना बनाया। अगर बात करूँ एंगुलर वेलोसिटी की, तो थीटा इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो इसके जगह जगह पर मैं ओमेगा टी भी रिप्लेस कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लिया, टी टाइम लिया। बात समझ में आ रहा है, चलो यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर से थोड़ी देर के बाद ये कहाँ होगा। अच्छा, इस केस में अब बात को समझने की कोशिश करो, दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मेरे दोनों फिंगर को दो पार्टिकल आप अज्यूम कर लो, ये पैरोडिक मोशन है और ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है ना। ये कौन सा मोशन, अंदरों ऑसिलेटरी, ये कौन सा मोशन, ये कौन सा मोशन, ये कौन सा मोशन, सुपर। अभी कहाँ था, कहाँ था ये आया, ये पैरोडिक हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑसिलेटरी हुआ, ठीक, ऐसे चलेगा। बहुत लोग उड़ गया होगा, उड़ा रहे मत, ये यहाँ पे आया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक दिखाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आया। जब ये पार्टिकल ना यहाँ आ जाएगा ना,
तब ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? अपन ऐसा एसी में भी पढ़ चुके थे, याद होगा। तो ये यहाँ तक गया, जब ये पार्टिकल उठ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तब ये भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट आ जाएगा ना, ऐसे करके वाई। समझ में आ रहा है? जब ये पार्टिकल फिर कहाँ आएगा, इधर आएगा ना, तो एंगल तो यहाँ बनाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर से कहाँ आ गया, नीचे। बात समझ में आ रहा? फिर जब ये यहाँ आएगा तो पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ तक आया तो ये यहाँ आ गया। नहीं समझ में आया? तो सोचो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पैरोडी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, नहीं दिखा। तो थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल जब इधर आ जाएगा तो जो, अच्छा ये पार्टिकल जब इधर आ गया तो ये कहाँ हो जाएगा, बीच में आ गया फिर, नहीं। फिर जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा तो ये वाला किधर आएगा, फिर आया। फिर जब ये इधर आएगा तो, जब इधर आ गया तो दोनों मिल गए, लेकिन जब ये फिर इधर गया तो फिर ये रिटर्न जाना चालू कर दिया ना। फिर ये जब यहाँ पहुँचा तो, समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक सोचो कि जब यहाँ पे था, ये एक पार्टिकल और एक पार्टिकल, एक पैरोडिक मोशन कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है उसके प्रोजेक्शन को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, प्रोजेक्शन को। देखो ये मेन पॉइंट पे था और ये इसका इनिशियल पॉइंट था, समझ में आया? देखो ये मूव कर रहा है, आया 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 यहाँ तक, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ऑसिलेटरी, और ये क्या कर रहा था, पैरोडिक। अब इसको मैं आगे लेके जाऊँगा तो क्या होगा, मतलब ये जैसे यहाँ पे आएगा तभी कहाँ पे आएगा, अपनी मेन पोजीशन पे। फिर इसको नीचे लाऊंगा तो दोनों मिल गए, नहीं समझ में? फिर इधर गया तो, समझ में आ गया? तो ये पैरोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को मिक्स करके अपन एक वो बना दिए, समझ में? ऐसे क्या हो रहा है, ऑसिलेटरी, और ऐसे क्या हो रहा है, इतनी सी बात क्लियर है? सोचो, चलो इतना ही आपको समझना, ज़्यादा नहीं समझना। तो किसी भी टाइम का अगर प्रोजेक्शन को अगर निकालना होगा, किसी भी टाइम का अगर प्रोजेक्शन निकालने बोलेगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो याद रखना बच्चों कि अगर यहाँ से एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये उसका मेन पॉइंट है, थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा उसको, टी। तो यहाँ से उसका प्रोजेक्शन देखने के लिए, उसका पॉइंट देखने के लिए मैं क्या करूँगा, वाई ले लूँगा। क्या लिया, वाई। यहाँ ओमेगा टी, तो यहाँ भी क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो यार ये एंगल के सामने क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया, दिया कि नहीं दिया, और ये क्या उसका रेडियस है ना, हाइपोटेनियस। तो क्या दिया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना होगा, वाई बाई ए, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बात समझ में आया, नहीं आया? अब उस पोजिशन को सोचो कि जब वो यहाँ पे था, कहाँ पे था, जब वो अपने इनिशियल फॉर्म पे था, जब टाइमिंग क्या था, जीरो था, जब टाइमिंग क्या था, जीरो था, जब टाइमिंग जीरो था, जब टाइमिंग जीरो था, तब थीटा का वैल्यू क्या था, जीरो था, क्योंकि वो वहीं से था, कोई डिस्प्लेसमेंट था क्या, नहीं। तो टी इज इक्वल टू, तब वाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये किसका प्रोजेक्शन वो डिफाइन करता है, ये वाला पार्टिकल जो क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी कर रहा है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा, थीटा का वैल्यू जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तब उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, जीरो। अगर मैं ये केस मान लेता हूँ कि सेकेंड केस, t इज इक्वल टू टी बाई फोर, देखो यहाँ पे t था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या लगा टाइम, t बाई फोर, नहीं समझ में आया? यहाँ तक आने में 2t बाई फोर का मतलब क्या हो जाएगा, t बाई टू, यहाँ पहुँचने में लगेगा 3t बाई फोर, यहाँ पहुँचने में लगेगा t, मतलब 4 बाई फोर। जिनको पता नहीं चलता वो ऐसे निकालें, जीरो से कहाँ तक लग रहा t, समझ में आया? तो सबको क्या कर रहा, t बाई फोर कर रहा, वन t बाई फोर, टू t बाई फोर, और थ्री टी बाई फोर, फोर टी बाई फोर। बात समझ में आया? जीरो ही आएगा, टी बाई फोर आएगा, कट गया दो दो तो टी बाई टू आएगा, थ्री टू बाई फोर आएगा, कट गया तो खाली टी आएगा। बात समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, ऐसे याद रखना। तो अभी टी बाई फोर मतलब यहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचे, तब इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे। मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना उसका रेडियस है, उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? तो देखते हैं कि फार्मूला क्या बता रहा। तो y इज इक्वल टू ए साइन क्या था, थीटा, और थीटा की जगह पे कितना होगा, यहाँ से ये यहाँ तक गया तो कितना डिग्री बनाया, बनाया 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो प्रोजेक्शन कितना होगा, ए होगा। नहीं समझ में? फिर ये वाला पार्टिकल जब घूम के इधर आया, तब ये किधर आया,
सेंटर पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? जीरो। कौन से टाइम पे? टी बाई टू पे। टी बाई टू पे इसका क्या हो गया था? वाई इज इक्वल टू ए साइन कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये घूम के ऐसे करके यहाँ तक आया, तो कंप्लीट कितना डिग्री बना है? 180 डिग्री बना है। तो 180 साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो इसका प्रोजेक्शन वैल्यू भी क्या होगा? जीरो। नहीं आया बात समझ में? थोड़ा सा एक से पावर आगे बढ़ते हैं पहले, है ना। तो टी 3t बाई क्या होगा? 4। 3t बाई 4 मतलब यहाँ से घूम के यहाँ तक आया, तो ये 90 तो कितना होगा? 270। थीटा इज इक्वल टू कितना बना? 270। जब थीटा इज इक्वल टू 270 बनेगा, तो y साइन 270, आपको पता है साइन 270 का वैल्यू होता है -1। कितना होता है? -1। तो इसके कंडीशन में प्रोजेक्शन तो होगा, लेकिन कितना होगा? माइनस प्लस, तो कितना हो गया? मैक्सिमम माइनस। समझ में आ गया? फिर अगर ये यहाँ पहुँच गया, तो ये कहाँ पहुँचेगा? सेंटर पे पहुंच जाएगा ना। फिर से कितने टाइम पे पहुंचा? कितने टाइम पे? टी इज ओनली टी, तो थीटा इज इक्वल टू क्यों? 360 कंप्लीट ना। तो वाई इज इक्वल टू ए साइन क्या होगा? 2π, साइन 2π का वैल्यू जीरो, तो प्रोजेक्शन वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो अपन क्या सीखे यहां से? अपन एक इक्वेशन निकाले, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या निकाले? कि अगर वो पेरियोडिक मोशन कर रहा है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन भी साथ में क्या होगा? करता रहेगा। थोड़ी सी बात है, बेसिक चीज़ें समझ लें इसको, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा बहुत इजी और ट्रिकी मेथड से बताऊंगा मैं आपको दोनों तरीके से। फटाक से नोट कर लें। अपने तेरी बता रहा सोचना ना। यहाँ पे एक लाइन ले ले, ये ए है और ये माइनस ए है, पता है ना आपको क्यों? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा। मैं दोनों पॉइंट को समझाना हूँ, अच्छे समझना। ठीक है, ये ऐसे लाइन खींच लेंगे अपन, फिर यहाँ से भी ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो ये जीरो था। ठीक, ये कितना टाइम लगता था यहाँ से जाने में? यहाँ आने में कितना टाइम? यहाँ आने में कितना टाइम? ये जीरो पे था। आपको पता होगा जब टी बाई फोर पे था तब ए आया था। टी बाई फोर कितने एंगल पे था? पाई बाई टू पे था, याद है? फिर कहाँ पे गया था? पाई पे गया। फिर कहाँ पे गया था? 3π/2 पे। फिर कहाँ पे गया था? 2π। यहाँ तक समझ में आया? अपन जो है ना ऑसिलेटरी वेव और क्या था पैरोडिक जो मोशन था, उसको वेव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यही चीज़ आप जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब भी पढ़ोगे, स्ट्रिंग वेव पढ़ोगे तब भी पढ़ोगे, साउंड वेव पढ़ोगे तब भी पढ़ोगे, एसी पढ़ोगे तब भी पढ़ोगे ये चीज़ को। ठीक है, तो कब पढ़ोगे? अब कब पढ़ोगे? तो देखो, आपको पता होगा कि जब 90 डिग्री पे लिए थे तब इसका वैल्यू ए आया था, याद है कि नहीं याद है? अभी तो पता है। फिर जो 180 पे लिए थे, देखो 90 पे मतलब यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे आके मिल गए, तो इसका प्रोजेक्शन कितना होगा? ए 90 पे। फिर जब ये घूम के इधर आया था, तो ये कहाँ से आ गया था? नीचे आ गया था, मतलब ये ऐसे बढ़ा था फिर ऐसे कम हो रहा ना, तो 180 पे जब यहाँ पे आएंगे तो 180 पे क्या हो गया था? जीरो। तो 180 पे जीरो, तो जीरो इसी लाइन में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्या? फिर से कहाँ से घूम के आया था? ये यहाँ पे आया था, कितना? 270 पे जब आया था, इसका प्रोजेक्शन नेगेटिवली हाई हो गया था, तो कहाँ पे हो गया था? माइनस। फिर वो कहाँ गया था? टी पे, तो कितना हो गया था? जीरो। टी पे कितना हो गया था? जीरो। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था उसको? टी बाई फोर। यहाँ तक आने में। तो यार इसको अगर मिलाता हूँ तो कुछ जाना पहचाना चीज लग रहा है। वेव दिखा नहीं दिखा? तो एग्जैक्टली जो वेव, जो ऑसिलेटरी पेरियोडिक मोशन जो चल रहा है और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी जो मोशन चल रहा है, वो एग्जैक्टली वेव का ही फॉर्म है। किसका फॉर्म है? वो वेव का ही फॉर्म। इतनी सी बात क्लियर है? डाउट है कहीं पे? चलो, कई बार ना आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर से y इज इक्वल टू क्या निकाले थे? ए साइन। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कब? जब यहाँ से चलना चालू होगा, मतलब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, टी टाइम लेगा, तब बनेगा ओमेगा टी। तो मेरा इक्वेशन होगा ये, इक्वेशन क्या होगा ये, समझ में आ गया? लेकिन मान लो कि कई बार क्या होता है ना, वो घर से नहीं चलता है, मतलब वो यहाँ से नहीं चला है, वो ऑलरेडी यहाँ पे था। कहाँ पे था?
यहाँ पे था ऑलरेडी, कहाँ पे? अभी इसका मेन पोजीशन से था, यहाँ से चलना चालू कर रहा था, लेकिन वो ऑलरेडी कहाँ पे? यहाँ पे। और कितने एंगल पे? मान लो कितना, फाइव एंगल। फिर वो यहाँ से चल के यहाँ आने चालू, तब इसका टाइम यहाँ पे क्या था? जीरो। फिर ये यहाँ से कहाँ चल के आया? यहाँ तक। तो कितना थीटा, मतलब ओमेगा टी, टाइम कितना लिया इसका? टी। समझ में आया? इस केस में जो इक्वेशन बनेगा बच्चों, तो वो इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नहीं आया इसका? ठीक है, इसको बोलते हैं फेज। अब आवाज आएगा सबका, है ना? इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं उसको? फेज। दस लेगा साउंड, है ना? ठीक है, हो गया, नोट कर लो इसको। फिर बता रहा हूँ वेलोसिटी इक्वेशन। क्या बता रहा हूँ? नहीं आया आवाज। क्या बता रहा हूँ? फिर से बोलो। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? यस कर सकता हूँ। डिफरेंशिएट क्या करता हूँ? नहीं कर सकते क्या? ये होगा dy वाई बाई डी टी। नहीं आया। a कांस्टेंट है। a कांस्टेंट क्यों? क्योंकि वो एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम है। ठीक। साइन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का फिर से करूंगा तो क्या आएगा? ओमेगा। तो डी वाई बाई डी टी तो क्या होगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वी इज इक्वल टू होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बहुत सारी बातें हैं इसको लेके बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। ठीक है, अपन ही करेंगे वो वाली बातें। ठीक है, देखो थोड़ा जब स्टार्ट किया उसके ऊपर एंड करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, तो y इज इक्वल टू ए ओमेगा, क्या कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? कॉस को क्या लिख सकता हूँ? रूट वन। मैंने बाय वालों को थोड़ा सा उड़ा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर रूट। समझ गए? तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या था बच्चों? साइन ओमेगा टी का वैल्यू बताओ। तो बच्चों अगर वैल्यू ला कर रख दूंगा तो क्या होगा? ये इधर आया? नहीं आया। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आके होगा ए, ए और ए क्या होगा? तो मेरे पास दो इक्वेशन निकला ना। नहीं आया। वेलोसिटी का वैल्यू दो केसेस में, अब मैक्सिमम कब होता है ना? केस में फर्स्ट बता रहा हूँ, केस फर्स्ट मेरा वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा? पॉइंट को क्लिक करेगा माइंड को, ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ से आपका ज़्यादा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी बात आपको पूछेगा। तो वाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो अगर इसी इक्वेशन को मैं देखता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ और इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखूंगा तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी चल रहा है। कॉस ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है पता है ना? मिनिमम माइनस वन, मैक्सिमम क्या होता है? प्लस वन होता है ना। तो मैं क्या होगा जब वी ए ओमेगा, इसका वैल्यू कितना ला के रख दूंगा? वन। कॉस ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? वन पे होता है। तो ये क्या हो गया? मैक्स। मतलब वी इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नहीं समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। मैक्सिमम और कब हो सकता है? मैक्सिमम कब और हो सकता है? जब वाई जीरो हो जाए, क्योंकि माइनस हट जाएगा। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व किया, दूसरा अगर वाई हट जाएगा तो माइनस हट जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो वाई कब हटेगा? जब वाई को मैं क्या लूंगा? जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वी इज इक्वल टू क्या चल रहा? ओमेगा। फिर क्या चल रहा? ए स्क्वायर। वाई का वैल्यू जीरो, तो वी ओमेगा साथ में आएगा ए, तब भी मैक्सिमम। अब थोड़ा सा बात तो गौर करो, सोचो, ये इसका मीन पॉइंट था। क्या था? मीन पॉइंट। यहां से ये कहां तक जा सकता था? मैक्सिमम कहां तक जा सकता था? वो ए तक जा सकता था। तो ए उसका एक्सट्रीम पॉइंट, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट। क्या ए? इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं अपन, ऐसा अगर थ्रो किए ना तो जो मैक्सिमम हाइट पे जाता है ना, तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम हाइट में जाने का तो कुछ देर रुक के सोचता है कि तुरंत नीचे आ जाता है। तो जब नीचे आता तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रहती है वहाँ पे? जीरो। नहीं पता, किसी पत्थर को अगर लेके मैं थ्रो करता हूँ ना, तो उसकी स्पीड क्या होगी? इनिशियली इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होते होते एक कंडीशन ऐसा होता है कि एकदम जीरो हो जाएगा, तो वहाँ से वो चेंज करेगा अपना रास्ता। नहीं समझ में आया? क्लिक कर लो माइंड में, एक्सट्रीम पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन अभी मैं निकाला हूँ जब इसका मीन पॉइंट, वाई कब जीरो होगा? जब वो मीन पॉइंट पे होगा।
होगा ना, तो मीन पॉइंट में उसका क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम। मेरी बात नहीं समझ में नहीं आया? तो इसका नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट भी बनता है ना यहाँ पे ए, ये भी इसका क्या चल रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, एक नीट या किसी को एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसी एसएचएम में हाउ मेनी टाइम मेन पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब मेन पॉइंट कितने बार आता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स कितने बार आता है। तो एक ऑसिलेशन में क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट दो बार आता है और मेन पॉइंट कितने बार आता है, एक बार आता है। समझ में आ गया ना? नहीं आता, समझ में आ गया? कैसे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन फिर एक्सट्रीम, समझ में आ गया ना? तो दो एक्सट्रीम और एक क्या होगा, मेन पॉइंट होगा। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? बाबूलाल आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम। यार मिनिमम होगा तभी तो ऊपर डायरेक्शन चेंज करके इधर आएगा, नहीं तो उधर और नहीं निकल जाता। नहीं समझ में आया? इतनी सी बात को दिमाग बैठा जल्दी से, फटाफट बंद करेंगे लिखना। अब मिनिमम का केस क्या बोलता है, देखो मिनिमम कब होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिनिमम कब होगा, जब एक कॉस का वैल्यू जीरो हो जाए तो ये टोटल क्या होगा, जीरो, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है। अर्थ के सॉरी सर्कल का जो रेडियस होता है वो फिक्स होता है कि चेंज रहता है, कांस्टेंट है। और अपन ये भी पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अराउंड अगर मूव करता है तो लीनियर वेलोसिटी रिमेन चेंज बट एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। मतलब लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होते रहता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये तो दोनों कांस्टेंट है तो इनको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो क्या समझे कि कॉस ओमेगा टी का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो ये क्या होगा, मिनिमम, पहला चीज। दूसरा, और कैसे मिनिमम हो सकता है, मिनिमम कब हो सकता है, सोचो, आप सोचो, इसमें लिखा हुआ दिखा हुआ, मिनिमम कब हो सकता है, अगर वाई का वैल्यू ए के बराबर आ जाए, वाई किसके बराबर आ जाए, वाई अगर ए के बराबर, यार ये सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वाई क्या है, वाई बेटा ये है, अगर यहां से यहां तक गया तो ये बना वाई, अगर यहां तक पहुंच गया तब भी ये क्या होगा, वाई, पहुंचते पहुंचते वाई कितना हो जाएगा, ए के बराबर नहीं होगा क्या? जब वाई ए के बराबर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे, नहीं आ रहा मेरे को, कहां पहुंच जाएगा, तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वी इज इक्वल टू क्या चल रहा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई को अगर ए से रिप्लेस कर दूंगा तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गई, तो क्या है, तो यहां से मेरा माइंड क्लिक किया कि यार एक्सट्रीम पॉइंट पे ना वेलोसिटी मिनिमम होता है। नहीं समझ में, तो आज के बाद मैं क्लिक कर लूंगा कि एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम होता है, मीन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। बात क्लियर आता है? फटाक से नोट करो, क्वेश्चन बनेगा, देखो।